हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ मैं जितने भी यूट्यूब क्रिएटर हैं तो यूट्यूब तरफ से एक न्यू अपडेट आज के फाइनली गाइस। तो भाई जितने भी यूट्यूब क्रिएटर भाई वाईटी स्टूडियो आप सब यूज़ करते होंगे, तो भाई मैं भी वाईटी स्टूडियो यूज़ करता हूँ। तो वाईटी स्टूडियो के अंदर जो भाई न्यू फीचर, पुराने वाले जो फीचर थे वो चेंज होकर भाई न्यू फीचर आ चुके हैं। और जो अब वाला जो फीचर आप देखोगे ना, बहुत ही अच्छा लगा यार मुझे बहुत ज़्यादा देख के। जैसे मान लीजिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो टैग वैग जो भी लगाते हो बहुत ही ईजिली है, बहुत ईजी। और एक मान लीजिए कि अपनी YouTube पे जब भी कोई वीडियो या पोस्ट करती हो तो वह पहले जितने सब्सक्राइबर होते हैं उनको शो करता ही होगा। और जैसे मान लीजिए भाई जितने न्यू क्रिएटर भाई उनके जो 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं होंगे, और जिसके 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए होंगे तो उनको ये भाई मतलब कम्युनिटी टैब का ऑप्शन तो मिल गया होगा और पोस्ट का भी ऑप्शन मिल गया होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा भी 1000 सब्सक्राइब मेरे कंप्लीट हो चुका है, मैं अपने पुराने वाले वीडियो को मैं पोस्ट करता हूँ तो जितने भी क्रिएटर भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो पहले नंबर पे जाके देखेंगे और उस पर मतलब जो पुरानी वीडियो मैंने पोस्ट करके उसी को दोबारा रीपोस्ट करेंगे ना, वो भी आपको पहले नंबर पर ही दिखेगा जितने भी सब्सक्राइबर वाले को, तो है ना बहुत ही अच्छा। तो मैं आपको स्क्रीन पे आपको सही तरीके से मैं समझाऊंगा, अपने यूट्यूब पे जाके दिखाऊंगा आपको कैसे क्या क्या फीचर आ चुके हैं वाईटी स्टूडियो के अंदर, और बहुत ही ईजिली यार, बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जो भी हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो होगी आपको जल्दी जल्दी मिल पाएगी और आप देख पाओगे, ठीक है। चलते हम अपने स्क्रीन के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। YouTube में जाके देखिए, मेरे YouTube में जाते जाते हैं तो जैसे अपने चैनल पे आप चले जाओ, जैसे आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन तो मिल गया होगा ऑप्शन, ठीक है। तो कम्युनिटी टैब में जैसे हम कभी भी अपनी वीडियो या फोटो या पिक हम शेयर करते हैं, कभी अपने सब्सक्राइबर को दिखाते हैं, तो देखिए जैसे मैं ये पे मैंने वीडियो पोस्ट कर रखा है, ठीक है, मतलब पिक शेयर कर रखी है, तो ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे पब्लिक ने मुझे कमेंट्स किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने देखिए पब्लिक ने मुझे यहाँ पे लाइक किया है और यहाँ पे कमेंट्स किया है, ठीक है। जो पहले जब हम आप कभी भी मतलब पोस्ट करते थे या कोई वीडियो डालते थे तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आता था, देखिए ये ऑप्शन नहीं आता था। और जैसे हम किसी मतलब सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स किया इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ से सीधा मतलब जिसने पहले जो सब्सक्राइब मतलब कमेंट्स किया उसी को मतलब पहले जो हम कमेंट्स करना चाहेंगे तो उसको हम पहले यहाँ से एक बार कमेंट्स कर देंगे तो उसके पास चला जाएगा। तो ये वाली ट्रिक तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे इस बार, ठीक है। और जो एक और ट्रिक है जो मैं देखिए यहाँ पे आप उसके सब्सक्राइबर मतलब जो जो कमेंट्स है वो पढ़ना चाहते हो वो यहाँ से आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हो। और एक और फीचर जो मैंने को अच्छा लगा जो, तो यहाँ पे देखिए ये जो ये तीर का ऑप्शन आ रहा है ये पहले नहीं आता था। तो हम जैसे जैसे मान लीजिए हम दोबारा इसको हम रीपोस्ट करेंगे, तो जैसे हम दोबारा इसको पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम कभी अपनी वीडियो को या पिक या वीडियो हम पोस्ट करते थे तो आपको पहले कम्युनिटी टैब में जाता था, नहीं मतलब यूट्यूब में जाते थे पोस्ट को क्लिक करते थे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता था। तो यहाँ से एक ऑप्शन ये याद आता है कि सीधा अब यहाँ से शेयर पोस्ट, जैसे मैं इसको शेयर करता हूँ तो सीधा ये ऑब्वियसली यहाँ से पोस्ट हो जाएगा, जो भी चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख दोगे और सीधा वो पोस्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी पोस्ट करके दिखाता हूँ आपके सामने फाइनली, ठीक है। जैसे ये वीडियो की मैंने किस चीज़ के बारे में बनाया है, कॉपीराइट क्लेम के बारे में मैंने बनाए रखा है। जैसे मैं यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम ये लिख देता हूँ और ये वीडियो मैं यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ तो ये दोबारा वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा फाइनली। तो ये देखिए पोस्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं आपको व्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए पहले देखिए ये अभी 5 सेकंड अगेन अभी मैंने ये पोस्ट किया है और ये पहले नंबर पे आ गया है, ठीक है। और जब भी कोई मतलब सब्सक्राइबर जो भी दिखा होगा अभी उनके पास ये चला गया होगा और आप भी जब देख रहे होंगे तो आपके पास भी ये शो करेगा। तो बहुत अच्छा फीचर आ गया फाइनली यार, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसका फीचर चलिए तो हम मान लीजिए हम अपने आप यूट्यूब पर आपको वाईटी स्टूडियो में ऑप्शन दिखा देता हूँ, तो वाईटी स्टूडियो के अंदर जो फीचर आ रखा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा वाला फीचर। जैसे कि मैं ये वाली वीडियो में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे शो करते थे तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे तीर का ऑप्शन आ रही है मतलब गैलरी ऑप्शन, ये पेंसिल का आइकन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए पहले जो फीचर आता था ना यहाँ पे हम टाइटल या पब्लिक जो जो भी लिखते थे वो पहले चेंज अलग टाइप ही आता था, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है फाइनली और यहाँ से आप टैग वैग जो भी लगाना चाहो तो यहाँ से आप टैग ऑब्वियसली यहाँ से भी लगा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर प्ले लिस्ट में मैंने वीडियो डाल रखी है तो आप प्ले लिस्ट में ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हो, यहाँ से लिंक को कॉपी करो यहाँ से पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ से अब इसमें थ्री करते हैं तो यहाँ पर कोई सी आप चेंज करना चाहते हो गैलरी वगैरह जो भी पिक या चेंज करना चाहते हो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके एक बार बता देना कि आपको कैसा लगा ये फीचर, यूट्यूब की तरफ से जो फीचर आ रखा है अच्छा है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। तो गाइज़ आप समझ गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी तो मुझे कमेंट्स करके बताना, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना, इससे जो भी हमारी न्यू वीडियो लेटेस्ट वीडियो होगी आपको जल्दी जल्दी मिल पाएगी और आप देख पाओगे। तो मिलते हैं गाइज नई वीडियो में।